कार्यक्रम से दूरदर्शी सरदार को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शनेह शनेह अग्रसर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज एक गौरवपूर्ण लम्हा, बतौर नागरिक उन्होंने सरदार साहब से प्रेरणा ली, उसके बाद इस प्रतिमा की आधारशिला रखी, पिछले वर्ष अनावरण किया और आज पहली वर्षगांठ पर पद पूजन के लिए आगे जा रहे हैं। और ये क्षण निश्चित भावनात्मक होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते हैं, सरदार पटेल की मातृभूमि भी गुजरात ही रही, कर्मभूमि भी गुजरात रही। जो प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री सरदार पटेल से लेते हैं, वो प्रेरणा और वो समर्पण का भाव, सरदार पटेल के प्रति जो श्रद्धा माननीय प्रधानमंत्री आज अर्पित करने इस स्मारक पर पहुंचे हैं, Sardar Patel was born in an ordinary farmer family and his life transformed when he met Mahatma Gandhiji. The vision and actions of Sardar Patel ensured unification of the country and now the Honorable Prime Minister offering his puja. Ye drishya pujan manch se. मन में कृतज्ञता का भाव, सरदार साहब के प्रति पुष्पांजलि, एक ऐसा क्षण है जब आप अपने आदर्श के प्रति नतमस्तक होते हैं। पूरी उम्र आप जिनसे सीखते हैं, उनके प्रति जब सम्मान व्यक्त करने का इतना बड़ा अवसर आता है तो मन भर जाता है और दोनों हाथ जोड़कर उस विराट व्यक्तित्व को नमन करके अनूठी अनुभूति का एहसास होता है। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जीवन में पूजा जाता है। सरदार पटेल ने जिन रास्तों को अपनाया, दुनिया उनका अनुसरण कर रही है।
पटेल में कौटिल्य की कूटनीतिक और शिवाजी महाराज के शौर्य का समावेश था। एकता की कमी जैसी कमजोरी पर दुनिया हमें उस समय ताने दे रही थी, उसी को ताकत बनाते हुए सरदार पटेल ने देश को रास्ता दिखाया था। उसी रास्ते पर चलते हुए आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया से अपनी शर्तों पर संवाद कर रहा है, दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यह सब संभव हो पाया साधारण किसान के घर में पैदा हुए असाधारण व्यक्तित्व सरदार पटेल के योगदान के कारण। दुनिया की यह सबसे ऊंची प्रतिमा पूरे विश्व को लौह पुरुष के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती है। चाहे जितना दबाव क्यों ना हो, कितने ही मतभेद क्यों ना हो, प्रशासन में गवर्नेंस को कैसे स्थापित किया जाता है, यह सरदार पटेल ने